वरना 1.5 टर्बो को छोड़कर मैं स्लाविया 1.5 TSI की साइड क्यों गया। मेरे इसके 8 प्रैक्टिकल रीजन है जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक भी रीजन ऐसा नहीं है जिसको आप ये बोल सकते हो कि ये आपने जबरदस्ती बताया या फिर आप स्कोडा ऑन करते हो तो इस वजह से स्कोडा के फेवर में होता है। नहीं भाई, प्रैक्टिकल रियल रीजन है। अगर आपको एक भी गलत लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, मुझे थोड़ा फील होगा कि मैंने गलत बताया, बट गलत एक भी रीजन नहीं है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो कि शायद आपको हजम नहीं होगी, आपको शायद मैं पागल लग सकता हूँ, बट मेरी वीडियो पूरी देखोगे तो आपको समझ में आएगा बिल्कुल जेन्युइन था सब कुछ। मैंने 18 लाख में लिया ये, और ये स्लाविया का टॉप वेरिएंट नहीं है, मिड वेरिएंट है 1.5 TSI मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। मुझे 18 लाख के आसपास कॉस्ट कर रहा राजस्थान के अंदर, और इतने ही प्राइस में मुझे वरना का SX ऑप्शनल वेरिएंट मिल रहा था मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जो कि 18,50,000 के आसपास कॉस्ट कर रहा था ऑन रोड। मतलब मुझे 40,50,000 एक्स्ट्रा पे करने थे इससे, उसका मुझे टॉप वेरिएंट मिल जाता। यहां पर तो स्लाविया का मिड वेरिएंट ले पाया हूं मैं, ये थोड़ी महंगी पड़ती है वरना के कंपैरिजन में, इस वजह से मुझे इतने प्राइस में इसका मिड वेरिएंट मिला। बट इसके टॉप वेरिएंट के ऊपर भी जा सकता था मैं, मुझे लगा कि बजट को इतना भी खींचना ठीक नहीं है। और इतने ही प्राइस पर वरना के टॉप वेरिएंट में मुझे सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, LED हेडलाइट, इसमें हैलोजन आती है मिड वाले वेरिएंट में, फ्रंट पार्किंग सेंसर, वायरलेस चार्जर, और भी पता नहीं काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एम्बिएंट लाइट भी उसकी शायद थोड़ी ज्यादा वाइड है इसका, हाँ शायद नहीं, मैंने देखी चलाई थी भाई, उसकी एम्बिएंट लाइट ज्यादा अच्छी है इसके कंपैरिजन में। मतलब काफी कुछ मिल रहा था 18,50,000 में, और मुझे 40,50,000 सस्ती भी पड़ती क्योंकि मेरा एक दोस्त काम करता है हुंडई शोरूम में, हो सकता है मैं उससे 20,000-30,000-50,000 जो भी हो सकता था मैं उसे डिस्काउंट करवा लेता अपनी साइड से कोशिश करके। 50,000 देने वर्थ इट थे अगर मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है 50,000 में, एडास तक मिल जा रहा था, फिर भी मैं नहीं गया। अब एक बार मेरे रीजन सुन लो, क्या रीजन मेरे रहे हैं। मैं आपको कोई भी ऐसा फालतू रीजन नहीं दूंगा कि स्कोडा है, प्रीमियम है, जर्मन है, वो है फलाना डिकाडा। हाँ, किसी के लिए रीजन हो सकते हैं और किसी के लिए ठीक भी है, मेरे लिए भी ठीक ही थे, बट मैं ये रीजन आपको नहीं दे रहा हूँ। ओनली प्रैक्टिकल और रियल लाइफ से जुड़े हुए रीजन आपको दूंगा जो बिल्कुल जेन्युइन है। यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं, साथ ही बताना चाहूंगा, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीरजी, पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है लुक्स और डिजाइन। अब देखो ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, इसके ऊपर कमेंट मत करना कि आपने ऐसा बोला, उसका अच्छा नहीं बताया, इसका अच्छा बता दिया। ये सबकी पसंद के ऊपर रहता है, किसको कैसा डिजाइन पसंद आया उसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता, और पसंद के ऊपर किसी को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि सबकी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी पसंद है। आज से 1,000 साल पहले भी पसंद अलग अलग हुआ करती थी, लोग कहाँ कहाँ पहुंच जाते थे पसंद के लिए, और आज भी ऐसा और हमेशा होता रहेगा। तो पसंद तो डिफरेंस रखती है हर इंसान के अंदर। बट मुझे स्लाविया के डिजाइनिंग क्यों अच्छा लगा उसकी बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो सबसे पहली बात कि कार बहुत क्लीन लगती है, शार्प लगती है देखने में, देख रहे हो आप साइड से, मतलब ऐसा भी नहीं लगता कि कहीं से डिजाइन में कुछ ओवर कर दिया कंपनी ने, कहीं से बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें ऐड कर दी जो कि बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक फील करा रही है, या फिर कहीं से ऐसा ओल्ड भी फील नहीं हो रहा कि यार बहुत ही ज्यादा पुरानी लग रही है यहाँ से। नहीं भाई, आगे से देख लो, पीछे से देख लो, साइडों से देख लो, हर जगह से कार बिल्कुल ही बैलेंस लगती है डिजाइन के मामले में, और बहुत ही परफेक्ट लगती है। ये एक्चुअल कार जैसी दिखती है भाई, एक्चुअल कार जैसी, कि हाँ एक सेडान ऐसी होती है वैसा दिखता है ये, खैर वो भी सेडान ही वरना भी। बट देखो मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे कहीं ना कहीं उसका डिजाइन थोड़ा ओवर लगता है, थोड़ा ज्यादा एक होता है ना कि ज्यादा तोड़ मरोड़ दिया उसको डिजाइन को, ज्यादा तोड़ने मोड़ने से मेरा मतलब है कि वो सामने से तो मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, रियर से तो हाँ जनरली मुझे अच्छी लगती है, साइड में से ठीक ठाक लगती है। अभी देखो वरना के साथ एक दिक्कत और है, खासतौर से हुंडई के साथ जो मुझे लगती है, कि वो हर 3-4 साल में नया डिजाइन ले आते हैं कार का, और उसके बाद ना पुराना डिजाइन इतना गंदा लगता है भाई कि यार ऐसा लगता है 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हो, तो वो फील भी मुझे अच्छा नहीं लगता। माइंड मत करना, बट एक बात बताता हूँ, हुंडई वाले वैसे तो ये बोलते हैं कि हमने बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लुक दिया अपनी कार को, बट अगर इतना ही फ्यूचरिस्टिक लुक दिया है तो उसको मत करो ना, चांस 20-25-30 साल तक यार, मतलब इतना ही फ्यूचर वाला लुक दे दिया है तो, बट वो 3-4 साल में फिर उसको चेंज कर देंगे, उसके हेडलाइट, टेल लाइट, साइड वाइज से, मतलब फेसलिफ्ट में इतना बदल देंगे उस गाड़ी को। ये जो करंट वाली वरना है वो उतनी बकवास लगने लग जाएगी उसके सामने जिसकी कोई हद नहीं है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, आज कार नहीं लॉन्च हुई उसके 4 साल बाद उसका कार का फेसलिफ्ट आ जाएगा फिर से, और 8-9 साल बाद एक नई जनरेशन आ जाती है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है उनके वहाँ पे ना, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। स्कोडा हो, VW हो, ये 10-10-15-15 साल तक भाई सेम डिजाइन लाइन में चलाती रहती है। एक होता है ना कार का डिजाइन पैटर्न जो उसकी पहचान है उसको नहीं बदलती है कंपनी जल्दी सी, भाई बहुत लंबा टाइम ले जाती है, 12-12 साल 15-15 साल तक चली जाती है। तो मुझे इतना भरोसा है, मैंने स्लाविया ली है तो आने वाले 7-8 साल तक तो भाई इसका डिजाइन एज इट इज यही रहने वाला है। हाँ चीज़ें वैसे बदल जाएगी, फेसलिफ्ट आ जाएगा, एडास आ सकता है, कुछ फीचर्स और बढ़ा सकती है कंपनियाँ, बट एक बेस होता है ना जो डिजाइन का, वो एज इट इज यही रहने वाला है, और कभी भी मुझे पुराना फील नहीं कराएगी जब तक मैं इसको चलाने वाला हूँ। 15 साल तो चलाऊंगा, उससे ऊपर तो चला नहीं सकता ना। और आप लोग एक चीज बहुत गलत करते हो यार, आप लोगों ने YouTube पर, Instagram पर वरना ट्यूबलाइट बोलकर बहुत ज्यादा बदनाम कर रखा है, बट वो गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा यार। ट्यूबलाइट की रोशनी बहुत ज्यादा तेज होती है, वरना की DRL के अंदर इतनी रोशनी नहीं है, समझो बात को, कंपेयर मत किया करो ऐसे यार। बट हाँ वैसे देखो ऑनेस्टली पर्सनली मुझे भी वरना का डिजाइन अच्छा लगता है, बट ओनली बैक से, फ्रंट से नहीं लगता। मैं मुझे ऐसा डिजाइन पसंद है जो 10-15 साल में उसको रखूं चलाऊं अपने साथ तो पुराना ना लगे, मुझे हमेशा अच्छा फील कराता रहे, सिंपल रहे, शार्प रहे,
ऐसे अच्छे हो कार के, मतलब देखने में ऐसा फील आए कि यार क्या चीज़ है यार, 10 साल बाद भी ऐसा लगे कि हाँ आज भी कार दिखने में ज़बरदस्त लग रही है, बढ़िया लग रही है, जैसी आई थी वैसी की वैसी लग रही है, समझ रहे हो। तो वो फील इन कारों के अंदर है भाई। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वो है इंजन। अब देखो दोनों ही कारों के अंदर 1.5 टर्बो चार्ज इंजन आता है, लेकिन पावर फिगर में थोड़ा सा फर्क है, वरना हल्की सी ज़्यादा पावर स्पेक्स के साथ आती है। वहाँ पर 8 से 9 हॉर्स पावर और 8 से 9 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है आपको, लेकिन रियल लाइफ में ऑलमोस्ट दोनों कारों की परफॉर्मेंस सेम फील होती है। आप इस कार को चलाओगे फिर वरना चलाओगे, आपको फर्क ही महसूस नहीं होगा, बिल्कुल सिमिलर लगेगी। साइड बाय साइड रेस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, हाँ वरना हल्की सी आगे जा रही है हल्की सी पीछे, बहुत ही 19-20 का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं आएगा, वरना बहुत आगे निकल गया ऐसा नहीं होगा। तो परफॉर्मेंस वाला पार्ट तो मेरे लिए यही कट हो गया, क्योंकि रियल लाइफ में तो परफॉर्मेंस सेम ही फील होगी, तो मुझे तो वो उसमें भी मिल रही है उसमें मिल रही थी, बट इसमें और 2-3 चीजें मुझे एक्स्ट्रा मिल जा रही है जो कि वरना में नहीं मिलती, मिलती दोनों कारों में लेकिन इसमें बेटर मिल जाती है। पहली चीज सर्विस इंटरवल, यहाँ पे फर्स्ट सर्विस अभी तक मैंने कार की नहीं कराई और अभी 15,000 में कराने वाला हूँ, अभी 10,000 हुए कार को और मैं पता नहीं कहाँ घूम के आ गया, मैं सर्विस सेंटर तक नहीं गया 15,000 तक, वरना एक दो बार जा चुकी होगी सर्विस सेंटर, दो बार जा चुकी होगी भाई, लेकिन ये 15,000 पे जाएगी पहली बार, उसके बाद 30,000 पे, 45,000 पे, फिर 60,000 पे, तो ऐसे चलेगा इसका सेंटर सर्विस सेंटर। पहली सर्विस ही 15 पे, देखो डायरेक्ट कितना फ्री माइंड रहते हैं ना ये बंदे, कितना फ्री माइंड रहते हैं, हमें भी रखते हैं फ्री माइंड, तो मजा आता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घूमो फिरो मौज लो, कोई सर्विस सेंटर का झंझट नहीं है, बड़ी अच्छी करो। एक पॉइंट और फेवर में जाता है इस इंजन के भाई, 1.5 टर्बो चार्ज आप कोई भी इंजन देख लो, जितना ये रिलायबल है इस सेगमेंट के अंदर उतना और कोई भी नहीं है। इस इंजन को VW कार के अंदर, स्कोडा कार के अंदर, यहाँ तक कि कुछ कुछ जगह इस ओडी के अंदर भी यूज किया जाता है, तो आप सोच के देखो भाई कितना ट्रस्टेड और कितना रिलायबल इंजन है। 15,000 भी फर्स्ट सर्विस कर रहे हैं, उसके पहले देख भी नहीं रहे हैं अपनी कार को, चेकअप के लिए भी नहीं बुलाया मुझे अभी तक, मस्त नो टेंशन रहता हूं, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इस इंजन की। एक पॉइंट और फेवर में जाता है इस इंजन के साथ कि परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए ना, तो अभी तो ऑलमोस्ट सेम मिल ही रही है, बाद में अगर आप रीमैप कराने जाते हो, ट्यूनिंग कराने जाते हो इंजन की, तो वहां पर ये इंजन ज्यादा फ्रेंडली है उसके साथ, वो इंजन इतना नहीं है, बट हाँ कराने को दोनों इंजन आप करा सकते हो, दोनों इंजन से तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल सकते हो, लेकिन एक होता है ना उसके साथ ज्यादा फ्रेंडली होना, रीमैप करा रहे हो कुछ भी करा रहे हो इंजन के साथ, तो परफॉर्मेंस वाइज ये इंजन ज्यादा फ्रेंडली है। अभी मेरी कार ना वारंटी में, मैं इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, वारंटी खत्म होने तो फिर रीमैप कराऊंगा इसको, स्टेज 1 नहीं कराएंगे, 2 नहीं कराएंगे, फिर पता नहीं कौन सा स्टेज रीमैप होगा इस कार का, और फिर देखना परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस ही चाहिए तो। मैं बोल रहा हूँ भाई यूट्यूब पर चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, लेकिन जितना VW स्कोडा ओडी मतलब इन कारों के इंजन जितना रीमैप कराने के लिए फ्रेंडली है ना, मतलब जितना ये बोलते हैं कि यार करा लो यार फ्रेंडली, हमें कोई झंझट नहीं है, कोई लोड नहीं है, उतना फ्रेंडली नहीं है भाई कोई इंजन। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर आप बात करते हो तो आप किसी भी जगह जाकर इन चीज़ों का रिसर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो, किसी की बात तो मत आओ, आप खुद जाके पढ़ो, देखो, सब कुछ समझो, उसके बाद बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आपके शहर में 2 टेलर है, एक टेलर 40-50 साल से जींस बना रहा है, एक टेलर टी शर्ट बना रहा है, अब टी शर्ट वाले टेलर ने 10-5 सालों से जींस बनाना भी शुरू कर दिया है, तो जो 40-50 सालों से ओनली जींस बना रहा है वो ज़्यादा तगड़ी जींस बना सकता है, या फिर जो 5-10 सालों से जींस बनाने लगा वो ज़्यादा तगड़ी बना सकता है, कौन ज़्यादा बेटर बना पाएगा आपके हिसाब से? हाँ नया वाला भी पूरा ट्राई कर रहा है और अच्छा है उसका भी, बट पुराने वाले जितना तो आप सोच के बताना उस चीज़ के बारे में ना। आप थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो है ग्राउंड क्लियरेंस। अब देखो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मैं अभी तक अपनी कार से 4-5 अच्छी खासी ट्रिप कर चुका हूँ, 1,000-2,000-3,000 किलोमीटर की, और 5-5 लोग बैठ के हम ऐसी ऐसी जगह जा चुके हैं, थोड़ी मैं फुटेज यहाँ पे ऐड कर दूंगा, आप उनमें देख सकते हो भाई। एक जगह मेरी कार हल्की सी टच हुई थी, अंदर बैठे हुए मुझे तो फील भी नहीं हुआ, बट बाहर जो मेरा भाई था जो वीडियो बना रहा था उसने बताया कि हाँ कार टच हुई है, तो तब महसूस हुआ कि हाँ टच तो हो गई। लेकिन आप सोच के देखो 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस है इस कार का, सस्पेंशन भी हार्ड जिससे कि ज्यादा दबती नहीं है, लेकिन फिर भी दब रही है, आप वीडियो फुटेज के अंदर देख रहे हो, 5 लोग बैठेंगे तो दबेंगे, तो इतने भी हार्ड नहीं हो सकते सस्पेंशन की दबाई ना, वो दबेंगे, बट वरना की ग्राउंड क्लियरेंस पहले 165 या फिर 163 mm आया करती थी, अभी उसके ब्रोशर में ऐड नहीं है, मैंने उसकी साइट पे जाके देखा कहीं भी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में कुछ ऑफिशियली नहीं मेंशन कर रखा है, बट वरना इससे बहुत नीची है, मुझे ऐसा डाउट है कि 160 से भी नीचे हो सकती है उसकी, इसलिए वजह से कहीं मेंशन नहीं है, बट अगर मान के चलो 162-163 mm भी है तो कितना डिफरेंस हो गया। अब ये रियल लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क डालता है, क्योंकि आपको ये फुटेज देखने को मिल रही है ना, यहाँ मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि वरना यहाँ पर या तो जा नहीं पाएगी, जा पाएगी तो भाई वो इतनी बार नीचे टच होगी, इतनी बार नीचे टच होगी जिसकी कोई हद नहीं है, और 5 लोग बैठ के ऐसा प्लान तो मैं कर ही नहीं सकता वरना के अंदर, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। सेडान भी है, मस्त है, स्टेबल भी है, तगड़ी चीज है, और टच भी नहीं होती जल्दी से नीचे। और आपको एक चीज और दिखाता हूँ, इसकी 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस जरूर है, बट 200 mm तक भी ये झेल लेती है। रीजन पता है क्या है? देखो आप कार के नीचे ये पार्ट देख रहे हो प्लास्टिक का, ये उस साइड भी अगर आप ध्यान से देखते हो ना, तो उस साइड भी लगा हुआ है और इस साइड भी है, और ग्राउंड क्लियरेंस होती है जो
कार का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ना, उससे जमीन की हाइट। अब जैसे यहाँ जमीन है, जहाँ जमीन से और यहाँ इस कॉर्नर तक की जो हाइट है ना वो है 180 mm। अगर बॉडी की हाइट आप मेजर करोगे ना वो 210 के आसपास है। मैंने एक दिन मेजर करके देखी थी तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप देख लो ना ये कितनी, मतलब यहाँ से अगर आप देखते हो ना यहाँ से, तो ये कितना एमएम का होगा, ये आराम से 30-40 mm का होगा। और यहाँ पर आप एग्जॉस्ट के ऊपर नजर डालोगे ना तो एग्जॉस्ट की जो हाइट जमीन से या फिर इसकी जो हाइट है ऑलमोस्ट सेम है जमीन से, मतलब 179 mm यहाँ पर, 179 mm वहाँ। बट उसके अलावा अगर बॉडी को देखोगे ना वो जमीन से लगभग 210 या फिर 215 mm के आसपास है। मैंने एक दिन घर बैठ के ऐसे मेजर करके देखा था तो इतनी हाइट पर है। तो मुझे डर नहीं रहता इसकी बॉडी टच होने का, पहली बात बिल्कुल भी नहीं रहता। मैं ऐसी ऐसी जगह जा चुका हूँ, मैं आप यकीन करना मैं दिल से बता रहा हूँ। मैं एक बार गया था सवाई माधोपुर और वहाँ पर कोई झरना था, वहाँ पे जा रहे थे तो वहाँ पर रास्ता इतना खराब हो रखा था, बारिश से मिट्टी से रोड कट जाता है। वो मिट्टी वाला रोड था, मतलब डामर रोड नहीं था, मिट्टी या पत्थरों से जो बना होता है वो कटा हुआ था वो। तो वहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ घूम रही थी, वापस घूम रही थी, i20 हो चाहे कोई सी गाड़ी हो। वहाँ पर मेरे साथ जो कार गई थी ना, एक तो बोलेरो गई थी, एक अल्टो गई थी, ना तो स्विफ्ट गई ना i20 गई, और एक होंडा सिटी आया था वो तो पहले से मुड़ गया था। सोच के देख लो मैं सेडान लेके वहाँ तक चला गया जहाँ वो बोलेरो गई थी। मेरी हिम्मत देखना, उस टाइम हम कार में 2 लोग थे, 5 लोग हम नहीं थे। 5 लोग होते तो शायद मैं सोचता या फिर 2-3 लोगों को उतार देता, जैसे भी कर देता, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खराब थे। हाँ अल्टो जा सकती है, अल्टो तो आपको पता है लोड अल्टो भाई, वो कहीं भी जा सकती है, उसकी कोई ऑर्डर नहीं है। जितनी भी ये कॉम्पैक्ट एसयूवी आती है ना इनके ऑलमोस्ट समान ग्राउंड क्लियरेंस दे देती है स्लावी और वर्टुस, तो बहुत बड़ी बात है। बट हाँ डिपार्चर एंगल, अप्रोच एंगल, इनमें फर्क पड़ जाता है, सेडान है वो एसयूवी है, बट ग्राउंड क्लियरेंस में बहुत बड़ा फर्क नहीं आता इनमें, जिसकी वजह से इसको कहीं भी लेके जाने में सोचना नहीं पड़ता। घूमते फिरते रहो मस्त, 5-5 लोग बैठ के मस्त चिल करो, एंजॉय करो, सब कुछ हो जाता है। मेरे हाथ पे पेन है यार, आजकल रात को उल्टा सो गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट वो है सस्पेंशन। अब देखो वरना की सस्पेंशन वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, अगर आपको एक फैमिली कार की तरह यूज करना है और आपके शहर में या फिर गाँव में बहुत ही अच्छे रोड है तो सस्पेंशन बहुत अच्छे उस कार के। लेकिन अगर आपको ऑलराउंडर चीज चाहिए, आपको कहीं भी जाए कुछ भी करो और स्पीड भी करना है, तो वहाँ पर भाई ये सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है। स्पीड के अंदर भी आप जाओगे ना वरना को, आप 150-160 की स्पीड पर चला के देखना, 120 पे आपको समझ में आ जाएगा उसके सस्पेंशन इतना स्टिफ नहीं है जितना होना चाहिए उस इंजन के अकॉर्डिंग। देखो चीज़ें इंजन के अकॉर्डिंग चेंज करी जाती कार के अंदर, तो मुझे उसके सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट लगे। एक होता है ना कि ज़्यादा ही सॉफ्ट है कुछ, इधर उधर बॉडी रोल सा फील हुआ थोड़ा बहुत, बट होना नहीं चाहिए, सेडान के अंदर बहुत ही कम रहता है बॉडी रोल। बट मैं आपको बता दूं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये कार वरना से बहुत ज़्यादा स्टेबल फील होती है। आप 120 पर चला के देखना, चाहे आप स्लाविया चलाना, वर्टुस चलाना और वरना चलाना, वरना इतनी स्टेबल या फिर इतनी कॉन्फिडेंट फील नहीं करवाती है। अभी यूट्यूब पर कुछ वरना के ओनर्स ने भी बोल रखा है, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, और मैंने चलाई थी, मैंने फील किया, बट कुछ लोग नहीं बोलते नहीं बताते, तो वो अपनी मर्जी है भाई उनकी। बट जो मुझे फील हुआ मैं आपको ऑनेस्टली वो बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने बता रखा है खुद से, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली बताना। मेरी कार में कुछ कमियां है वो मैं ओनरशिप रिव्यू के अंदर कवर करूंगा, एक इसको ओनरशिप रिव्यू में लाने वाला हूँ। मैंने इसको ऐसे ऐसी जगह चला लिया है, आप यकीन करना ओनरशिप रिव्यू में आपको फुटेज दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर फुटेज सब नहीं दिखा सकता, फिर ओनरशिप रिव्यू में क्या बचेगा ना, उसमें दिखाऊंगा तब समझना। तो मेरे को इसके सस्पेंशन ज्यादा अच्छे इसलिए लगे क्योंकि हार्ड भी लगते हैं थोड़े, तो मैं 120-140-150 मिनट चलाता हूँ भाई, प्रॉपर स्टेबल रहती है कार, कॉन्फिडेंस फील होता है कार के अंदर, और ब्रेकिंग तो नो डाउट बहुत ही सॉलिड है कार की, वरना से ज्यादा अच्छी ब्रेकिंग आप कभी भी किसी भी टाइम चेक करके देख लेना। वैसे ब्रेक के लिए मैं एक पॉइंट और बना सकता था, बट मैंने सोचा कि इसी में ऐड कर लूँ, इतने सारे पॉइंट का क्या ही करूंगा, मेरे को कोई घर थोड़ी भरना है पॉइंटों से। तो ब्रेक आप एनी डे एनी टाइम कभी भी देख लेना, स्लाविया के बेटर मिलेंगे आपको वरना से, और काफी अच्छा खासा फर्क फील होगा। सस्पेंशन भी आपको बेटर लगेंगे, जब आप थोड़ा स्पीड में चलाओगे तो आपको समझ भी आएगा, कॉन्फिडेंस फील कराते हैं, स्टेबल रहते हैं, तो मुझे इन चीजों में बहुत बेटर लगे वरना से। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट वो है सेफ्टी। अब देखो वरना भी 5-स्टार कार है, स्लाविया भी 5-स्टार कार है। आप एक नेट के बजाय सर्च करना इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार कौन सी है, तो सबसे ऊपर हैरियर सफारी आएगी, उसके बाद स्लाविया आएगी। तो वरना से तो काफी ऊपर स्टैंड करती है, बट फिर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो वरना की सेफ्टी हुई थी ना, तो उसमें एक चीज़ बताई गई थी कि 5-स्टार तो है कार, लेकिन इसका फ्रेम इतना स्टेबल नहीं है और कार इतनी स्टेबल फील नहीं होती है। वो स्टेबिलिटी फिर मैं आपको बता चुका ना भाई, वरना इतनी स्टेबल नहीं है, वो सेफ्टी में ही काउंट होगा, क्योंकि सेफ्टी के लिए ही स्टेबिलिटी चाहिए होती है भाई हमें, ताकि कार स्टेबल होकर भाग सके, स्पीड में जा सके। क्योंकि 1.5 टर्बो ले रहे हैं तो भाई हर बंदा जो इसको इंजन को ले रहा है ना, वो धीरे चलाने वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, कभी धीरे चलाए कभी तेज चलाए ऐसे चलाता है ना। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी है ना भाई, इतनी सॉलिड है वरना मैं बोल रहा हूँ हाफ भी नहीं है इसकी। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो अभी मैं बोनट खोलूँगा, ठीक है, खोला और बंद करूँगा, आवाज़ सुनना एक बार इसकी, देखो मैं माइक नीचे कर देता हूँ, आवाज़ सुनी, आप कहीं से भी आवाज़ सुनोगे ना, कुछ भी बजा कर मैं बोल रहा हूँ टैंक जैसा फील कराती है। और एक बार आप गेट की आवाज़ सुनना, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, ठीक है, ये खोला, ठीक है, आवाज़ सुनना, मैं थोड़ा पास जाता हूँ, मेरे सिर ना फोड़ दे कभी है, ओ माइक यहाँ पे नहीं, इस वजह से मेरे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, सुना
भाई मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं लगता है कि आप एक सॉफ्ट सी कार लेके चल रहे हो, ऐसा लगता है कि भाई भारी भरकम लोगों का कोई टैंक सा है, ऐसा फील आता है इसके साथ। मतलब बहुत सॉफ्ट नहीं लगती है ये, रफ एंड टफ लगती है, कुछ भी करो कैसे भी करो, वरना सॉफ्ट सी लगती है थोड़ी सी यार। हाँ यार कुछ हो जाएगा कार में, बहुत आराम से नाजुक तरीके से पेश आए इसके साथ, बट इसके साथ ऐसा नहीं है यार, बहुत नाजुक जैसा कुछ नहीं है इसके अंदर। अब देखो ये जो मेटल सीट है ना, ये जो इतनी भारी भरकम सीट लगा रखी है पूरी कार के अंदर, इसी से आप कार की सेफ्टी को जज नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है मेटल सीट बहुत हैवी हो तो कार सेफ हो गई, नहीं, सारी चीज़ें बहुत जरूरी होती है, चाहे चेसी हो, फ्रेम हो, फीचर्स हो। इस सेफ्टी फीचर्स भी जो VW स्कोडा है वो बेस वेरिएंट से इतने अच्छे खासे सेफ्टी फीचर देखने को मिल जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट कारों के टॉप वेरिएंट में भी नहीं आते हैं। तो सेफ्टी के अंदर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है ना ही स्कोडा ना ही VW, तो इस वजह से मुझे ये ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो मैं आपको अपनी दिल की एक बात बताना चाहता हूँ इस चीज़ को लेकर, मुझे जज मत करना, बस अपने सबके दिल में एक फीलिंग्स होती है ना किसी चीज़ को लेकर, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मुझे इन मायनों में टाटा बहुत अच्छा लगता है, चाहे उसमें और कमियां निकल रही हो, ज़्यादा फीचर्स देने के चक्कर में, ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखाने के चक्कर चीज़ों को, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा लगता है कि इतना भी ओवर नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। आज भी इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार देखते हो ना, वहाँ टाटा हैरियर, टाटा सफारी, और मुझे चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। और अपने इंडिया के अंदर ना सेफ्टी को लेकर टाटा ने सबको जगाया भाई, उससे पहले सेफ्टी की कोई बात भी नहीं करता था, टाटा से पहले एटलीस्ट टाटा ने जगाया, मैं बोल रहा हूँ। अब बाकी ब्रांड से कुछ ही बोले, लेकिन टाटा को इसका हमेशा क्रेडिट दूंगा मैं, हमेशा क्रेडिट दूंगा टाटा को भाई मैं, क्योंकि उसकी वजह से लोग, बहुत लोग समझदार हो रहे हैं और अच्छी अच्छी कारें ले रहे हैं। देखो मैं ना बाइकर हूँ, मतलब बाइक वाइक ज़्यादा राइड करता हूँ, और मैं रोड के ऊपर मैंने ऐसे ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं, खून देखे हैं, गाड़ियों की ऐसी हालत देखी है ना, इतना घुमा हूँ बाइक के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है अच्छे से। जब आप कभी उनको अपनी आंखों से देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार इस सिचुएशन तक काश हम ना जा पाए, आप दुआ करोगे भगवान से काश हमारे साथ ना हो। तो कभी आप अपनी आंखों से देखोगे, आपको लगेगा कि यार बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, बहुत ज़रूरी। और वरना के साथ में थोड़ा उल्टा हो गया बताया, जब वरना देखने में अच्छी लगती थी मुझे डिज़ाइन वाइज, लुक्स वाइज, पुरानी वाली वरना की बात कर रहा हूँ, तो वो 5-स्टार रेटेड नहीं थी, उसमें कोई सेफ्टी मतलब कुछ था ही नहीं उसमें सेफ्टी का नाम लेकर। बट अभी वो 5-स्टार रेटेड कार है वैसे तो, लेकिन उसके लुक्स इतनी बकवास कर दी है, मतलब पर्सनली देखो हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी लगे, बट मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ तो माइंड मत करना। तो मेरे अकॉर्डिंग उसके साथ उल्टा हुआ, बाकी अगले पॉइंट की बात करते हैं अपने। और 6th पॉइंट है माइलेज। अब देखो माइलेज का नाम सुन के ये कमेंट मत कर देना भाई, सुजुकी ले लेना या फिर CNG ले लेते, जर्मन क्यों लिए। देखो ये सब फालतू की बातें हैं, कोई भी बंदा कार लेने जाता है 20-25-30 लाख तक की कोई भी कार हो, 50-60 लाख वाला नहीं देखता है माइलेज, बट 20-25-30 लाख तक की कार वाला बंदा देखता है कि सेगमेंट के हिसाब से वो कार कहाँ पर माइलेज दे रही है। तो वरना और इसकी माइलेज में भी फर्क है, अब ये आपको पता नहीं है, नहीं पता मुझे नहीं पता, बट यूट्यूब पर भी आप कहीं भी जाकर सर्च कर लेना, कोई भी यूट्यूब वीडियो में माइलेज टेस्ट देख लेना, कोई ऐसी माइलेज टेस्ट देखना जिस बंदे ने सेम सिनेरियो में दोनों कार की माइलेज टेस्ट करी हो। अभी ऐसे ज्यादा माइलेज तो कोई भी निकाल देगा, उसको बहुत आराम से चलाएगा प्यार से वगैरह वगैरह। एक रेफरेंस देता हूँ आपको कि DDS करके यूट्यूब चैनल है, मतलब अच्छे से वीडियो बनाते हैं, रियल लाइफ वीडियो होती है, बिल्कुल जेन्युइन, कोई स्क्रिप्ट नहीं होता इन वीडियो के अंदर। तो उन पर जाकर एक बार आप देखना उनके चैनल के ऊपर कि स्लाविया 1.5 TSI की माइलेज उन्होंने सेम रोड पे कर रखी है, उसी सेम रोड पे पहाड़ों में कर रखी है उन्होंने, वरना की भी कर रखी है 1.5 टर्बो वाली, उनमें दोनों कार के अंदर लगभग 3-3.5 के आसपास का फर्क निकल के आया था, पता नहीं 4 का फर्क निकल के आया था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, मैंने काफी टाइम जब कार ली थी उससे पहले मैंने वो वीडियो देखी थी, बहुत सारी वीडियो देखी थी भाई यूट्यूब पे डिफरेंसेस को लेकर, फर्क निकला था 3-4 का, मीटर के अंदर कम फर्क था, मीटर कंट्रोल में थोड़ा एरर ज्यादा है, वरना कि इसके मीटर कंट्रोल में एग्जैक्ट दिखाता है, मतलब कुछ 0.1-2-3 का ऊपर नीचे हो जाता है, वरना में वो एरर है, माइलेज गलत दिखाता है उसके मीटर में, 3-4 का या फिर 2-3 का गलत दिखाता है, तो उसका फर्क भी है थोड़ा सा। मैं एक बार आपको कार रोक के ना अपनी कार की माइलेज दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा विश्वास हो जाएगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। अभी इसकी माइलेज देखना भाई, ये इसकी लॉन्ग टर्म माइलेज है और ये इसकी सिंस रिफ्यूल माइलेज है, मतलब इसको मैं रिसेट किया होगा जब टंकी फुल कराई होगी, उस टाइम पे मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, ये सिंस स्टार्ट मतलब जब कार को मैंने आज सुबह स्टार्ट किया उसके बाद की माइलेज है। अगर मैं इसको बहुत ही प्यार से चलाता हूँ जिस तरह से CNG कार चलती है, तो इसकी माइलेज 17-18 प्लस ही रहती है, 20-21 तक भी निकाल देती है, मैंने निकाली हुई है, 1-2 का अगर मेरे पास कुछ पड़ा होगा इसमें शॉर्ट या फिर कोई वीडियो मैं बनाता रहता हूँ बट डिलीट भी करता रहता हूँ, तो मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लेना। उसके अलावा मैंने रफ टफ जो खींच के कार को चलाया है अच्छे से, जो एक होता है ना कि यार, लेकिन वो प्यार से चलाना कार को माइलेज के लिए 2-4-5 बार ही होता है भाई, फिर रफ टफ ऐसे चलती है जैसे मन होता है वैसे चलाते हैं, तो उस सिचुएशन में भी लगभग 16-17 की माइलेज ये निकाल देती है हाईवे पे, ट्रिप करने जाते हैं तब या फिर घूमने जाते हैं सिटी में भी, बाहर हाईवे पे भी, पहाड़ों में, इधर उधर हर जगह को मिलाकर 16-17 के आसपास निकाल देती है। कहने का मतलब इतना सा, सिटी में मिनिमम 10 की माइलेज दे देती है, 10-11-12 के आसपास, हाईवे के ऊपर रफ टफ तरीके से चला रहे हो तो वहाँ पर 15-16-17 निकालती है, और प्यार से चला रहे हो तो 19-20 तक में माइलेज निकाल देती है। अभी यही सेम सिनेरियो ना वरना वालों से पूछकर देखना, उनके मीटर कंट्रोल के ऊपर मत जाना, मैं एक तो पहले बता देता हूँ, लेकिन फिर भी उनसे पूछ कर देख लेना वाइस सिटी में क्या माइलेज देती है भाई। मैक्सिमम टाइम उनकी माइलेज सिंगल डिजिट में रह जाती है, हाँ कभी कभी कुछ लोग हैं जो डबल डिजिट में रख लेते हैं अपनी माइलेज को,
मैक्सिमम टाइम सिंगल डिजिट में रह जाती सिटी वाली माइलेज उनकी, जबकि मैं जयपुर जैसे बड़े शहर में रहता हूँ, खूब अच्छा खासा ट्रैफिक है, फिर भी मैं सिंगल डिजिट पर नहीं आ पाता माइलेज पे। हाँ वो एक अलग बात है कि यार जाम खतरनाक लग गया, गाड़ी आधे घंटे एक घंटे खड़ी रहेगी तो तब तो आएगी, खड़ी खड़ी कार में से चलेगा तो नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कनेक्टिविटी। इस कार के अंदर जो कनेक्टिविटी मिलती है ना आपको भाई, उसके लेवल की कनेक्टिविटी आपको किसी कार में नहीं मिलती है आसपास में। कनेक्टिविटी की बोलने से मेरा मतलब स्मार्टफोन कनेक्टिविटी से नहीं है, और ना ही मतलब बाकी कनेक्टिविटी से, ब्लूटूथ या फिर जो भी कनेक्टिविटी आप समझ रहे हो। कनेक्टिविटी मेरा बोलने से मतलब भाई कार के साथ कनेक्टिविटी, ड्राइवर की, मतलब ड्राइवर और कार की जो कनेक्टिविटी रहती है ना, जो फीडबैक आपको मिलता है कार से, चाहे फिर वो स्टेयरिंग का फीडबैक हो, ब्रेक का हो, क्लच, एक्सलेटर या फिर कुछ भी चीज़ आप मान लो, जो एक फील होता है ना कार के साथ, जितना जुड़ा हुआ फील करते हो आप अपने आप को चाहे किसी भी सिचुएशन पे, और जब आप थोड़ा सा मूडी होके चलाते हो ना कार को, भगाने के तरीके से या फिर थोड़ा सा इंजॉय करने के तरीके से, वहाँ पर जो कनेक्टिव फील करवाती है ना कार अपने आप से, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कोई और नहीं करवाएगी। VW और स्कोडा ही कर सकती है भाई, और कोई ब्रांड मैंने अभी तक फील किया नहीं किसी और ब्रांड के साथ, इनके साथ किया भाई, इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको ऐसा लगता है आप पता नहीं क्या ही कर सकते हो इस कार के साथ, इतना कॉन्फिडेंस फील करवा देती है। शायद हो सकता है ये कार नहीं कर पाए वो चीज़, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देती है कि आप कर जाओगे यार। वो बहुत तड़ी चीज़ लगती है मुझे इनकी यार, जो कनेक्टिविटी है ना ड्राइवर और कार की, गजब भाई, मतलब उसके फैन हो जाओगे। आपने थोड़े दिन कार चला ली ना, थोड़े दिनों के बाद आपको और किसी कार में मज़ा नहीं आएगा, मैं सीरियसली दिल से बोल रहा हूँ ये चीज़, कभी किसी कार में मज़ा नहीं आएगा आपको। इस पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी, तो मैं ज़्यादा नहीं कर रहा। अभी अगले पॉइंट की बात करते हैं, वो है भाई मेरे पापा के पास ना ऑलरेडी एक स्कोडा थी, अब भी है, रैपिड है वो, 1.6 TDI, तो उसको चलाने में जो मज़े आते थे ना, जो कनेक्टिविटी थी उस कार के साथ, एक होता है ना कि उस कार के साथ जो जुड़ाव था वो लगाव भी रह गया कुछ हमारा, तो सर्विस सेंटर के साथ एक्सपीरियंस भी अच्छा था, कार के साथ ही बहुत अच्छा था, कभी ऐसे कोई दिक्कत आई नहीं। एक दो बार दिक्कतें आई है वो मेरे पापा ने, और बाहर थोड़ा सा छिड़वा दिया था कार को उस टाइम पर, एक बार मेरे अंकल से एक्सीडेंट हो गई थी, तो वो एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो मतलब कार की गलती से नहीं हुआ, जो भी कुछ हुआ है ना, अगर कार हमें परेशान करती तो फिर एक बात अलग होती, तो कार ने परेशान नहीं किया, कहने मतलब ये है कि हमने कार को परेशान किया और उसको इतना परेशान किया, हम गांव में चलाते हैं उसको, उसी ग्राउंड क्लियरेंस भी इससे बहुत कम है, लेकिन जो उसको चलाने में मज़ा आता है ना भाई, वो तो मैं बोल रहा हूँ कि स्लाविया भी नहीं बराबर कर पा रही उस कार की, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। खैर स्लाविया सेगमेंट के हिसाब से आज भी बहुत आगे बाकी कारों से इन चीज़ों के अंदर, बट रैपिड की बराबरी ये भी नहीं कर पा रही है भाई। मैं कभी अपनी रैपिड के साथ में गांव जाऊंगा तब उसके साथ और इसकी वीडियो बनाऊंगा, दोनों की चलाने के चला के बताऊंगा दोनों कारों में क्या फ़र्क आता है चलाने में, मैं ज़रूर बनाऊंगा, मेरा बहुत मन है उस वीडियो को बनाने का। आजकल यहाँ पे मन नहीं लग रहा जयपुर के अंदर ना, तो गांव जाऊंगा तब बनाऊंगा, बट इसलिए अभी इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मेरा मूड ऐसा है कि मैं थोड़ा फ्री होकर और 4-5 दिन के लिए जाऊँ, 1-2 दिन के लिए ना, तो उस चक्कर में नहीं जा पा रहा हूँ अभी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है भाई, कभी भी दूसरों को देख कर कार परचेज मत करो, और ना ही ट्रेंड में जो कार चल रही है उसको देखकर परचेज कर लो। हो सकता है ट्रेंड वाली कार आपके लिए हो ही नहीं, जैसे अभी वर्टुस का नाम ज़्यादा सुनने को मिल रहा होगा, मैंने वर्टुस के ऊपर वीडियो बनाई, वर्टुस को छोड़कर मैंने स्लाविया क्यों ली, बस नॉर्मली वर्टुस लेने गया था, मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा प्लान बना था वर्टुस ही लेने जा रहा था मैं, और वर्टुस ही लेने का मेरा प्लान था, बट वो जब कई चीज़ें टेस्ट राइड वगैरह ली, कई चीज़ें देखी समझी, तो उसके बाद फिर मेरा प्लान बदल गया, स्लाविया लेने का हो गया, तो वो उसके ऊपर वीडियो बना रखी, आप जाके वो देख सकते हो, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। लेकिन हाँ, आपको बताना चाह रहा था ना कि भाई कभी भी ट्रेंडी कार को मत चूज करो, आप अपनी नीड को समझो, हो सकता है ट्रेंडी कार आपके लिए ना हो, हो सकता है वो हो आपके लिए, समझ रहे हो मेरी बात को, या फिर मेरे जैसे यूट्यूबर को देखकर या फिर कोई भी यूट्यूबर को देखकर आप कार परचेज मत करो, कोई पड़ोसी को देखकर परचेज मत करो। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा भाई, मैंने डायरी भर रखी है उससे लगभग, उसके 10-12 पेज बना रखे हैं मैंने कि क्या क्या मुझे बताना है आपको उस वीडियो के अंदर, कि नई कार कैसे परचेज करनी है आपको, और उसमें आपको कौन सी कार परचेज करनी चाहिए और कैसे लेनी है, फाइनेंस करानी तो कैसे करानी है, कम से कम रुपए में, तो वो सब चीज़ें मैं उस वीडियो में बताऊंगा। सबके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ अभी मैं, कुछ गलतियाँ मैंने भी करी थी नई कार लेते टाइम, तो मैं नहीं चाहता वो गलती आप करो, तो उस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ मैं, और वीडियो अच्छी खासी लंबी होने वाली, 20-25-30 मिनट तक की भी हो सकती है, बट उसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी कि आपके अकॉर्डिंग, आपके ड्राइविंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको कौन सी कार पिक करनी है, आप किस जगह रहते हो उसके अकॉर्डिंग कौन सी कार पिक करनी है, और उसके बाद आप शोरूम पर जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए जो आपको नहीं पता होती, ना ही कोई शोरूम वाला बंदा बताएगा आपको, ना ही कोई डीलर बताएगा, कोई नहीं बताएगा, ना ही कोई सेल्समैन बताएगा आपको, ओनली पागल बनाएगा और सब, तो हर चीज बताऊंगा मैं उसमें, फाइनेंस रिलेटेड चीजें के बारे में भी, मतलब नई कार लेते टाइम ना आपको सारी जानकारी मिलेगी, और वो वीडियो जरूर देख लेना अगर आपका कभी प्लान बने नई कार लेने का, तो आपके 20-25 मिनट जाएंगे लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस वीडियो के अंदर, और आपके रुपए भी बचेंगे और आप एक सही कार भी लेके आओगे अपने घर पे, तो वो वीडियो जरूर देखना। बाकी इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को यार लाइक कर लेना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, मस्त रहो और खुश रहो यार।